हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को चलो यात्रिया यूट्यूब चैनल में। सो है गाइस, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इटारसी जंक्शन से कल्याण जंक्शन तक जाने वाली ट्रेन गोदान एक्सप्रेस का फुल एक्सप्लेन होगा कि नया टाइम टेबल इसका क्या है और गाड़ी नंबर क्या है, गाड़ी का लाइन रूट क्या है, कौन कौन सा स्टेशन से जाएगी, कौन कौन सा स्टेशन में इसका स्टॉपेज है और इस गाड़ी का टिकट किराया कितना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रेन की कुछ न्यू टिप्स, जैसे कोई ट्रेन लॉन्च होता है तो सभी ट्रेन का टाइम टेबल को एक सिस्टम के अनुसार इसको चेंज किया जाता है। तो इसी तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे गोदान एक्सप्रेस का फुल एक्सप्लेन कि जो नया टाइम टेबल है वो क्या है, टिकट किराया क्या है, गाड़ी का लाइन रूट क्या है, कौन कौन सा रूट से गाड़ी चलेगी। तो सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन कॉल पर जरूर दबा दें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो है गाइस, तो गाड़ी नंबर है 11056, ये 2:50 रात को मिलेगा, इटारसी में उतारेगा। दूसरे दिन 2:07 दोपहर को कल्याण जंक्शन में, और ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन है, जो कि सोमवार, बुधवार, जुमेरात, शनिवार के दिन। इस गाड़ी का नाम है गोदान एक्सप्रेस। सो चलिए अब जान लेते हैं इस गाड़ी का लाइन रूट कि कौन कौन सा स्टेशन से जाएगी, कौन कौन सा स्टेशन में इसका स्टॉपेज है। जैसी ट्रेन इटारसी जंक्शन से खुलती है सीधा भुसावल जंक्शन आके रुकती है, जो कि 306 किलोमीटर की दूरी में। उसके बाद नासिक रोड, उसके बाद कल्याण जंक्शन, यही 2 स्टेशन है। बीच में एक स्टेशन में आपको बैठना है और एक स्टेशन में उतरना है। सो आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया क्लियरली। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब जानेंगे इस गाड़ी का टिकट किराया। सो टिकट किराया कुछ इस तरीके से है, स्लीपर क्लास का 380 रुपये और थर्ड एसी का 1030 रुपये और 2 एसी का 1470 रुपये एंड फर्स्ट एसी का 2465 रुपये। सो जो मैंने टिकट किराया आप लोगों के साथ शेयर किया, ये मैंने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी रेलवे स्टेशन द्वारा बनाएंगे तब सेम लगेगा, या फिर किसी एजेंट द्वारा इस टिकट को बनवाते हैं तो कुछ रुपये ज़्यादा ले सकता है। सो आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक भी समझ में आया, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो सो है गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से इटारसी जंक्शन से चलकर कल्याण जंक्शन तक जाने वाली ट्रेन गोदान एक्सप्रेस का जो मैंने फुल एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल में नए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर जरूर दबा दें, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।